गुड इवनिंग दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एएमयू क्लास के कला टेस्ट सीरीज के रात के 8 बजे के आज के इस वीडियो में। मित्रों, डेली कुछ ना कुछ बेहतरीन प्रश्नों की सीरीज एएमयू क्लासेस आपको मुहैया कराता है और इस सिलसिले को जारी करते हुए आज फिर से मैंने कुछ ऐसे प्रश्न लिए हैं जो आरपीएससी के लिए भी लाभदायक होंगे और बाकी कंपटीशन के लिए भी काफ़ी अच्छे खासे आपको परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। लेकिन ये क्लास डेली रात 8 बजे चलती है, जान लीजिए। अगर चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिए विथ बेल आइकन, ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे। हमारे फेसबुक पेज एएमयू क्लासेस आर्ट को फॉलो जरूर कर लीजिएगा। तो पहला प्रश्न हमारा कह रहा है, इसमें मुगल शैली की नींव किसने रखी थी। प्रश्नों की शुरुआत में पहला प्रश्न है, मुगल शैली की नींव किस शख्सियत ने इसमें से रखी थी। बाबर ने रखी थी, हुमायूं ने रखी थी, अकबर ने रखी थी या जहांगीर ने रखी थी। ठीक है, तो पहला प्रश्न है और चलिए स्टार्ट कर दीजिए अपने प्रश्नों के उत्तर का देना कमेंट्स के माध्यम से और देखते हैं कितना रिस्पांस किसका चलता है यहाँ पे आज। तो पहला प्रश्न का सही जवाब जो होगा वो आपका हो जाएगा बी, बाब हुमायूं। मुगल शैली की नींव किसने रखी थी, हुमायूं ने। दूसरा प्रश्न कह रहा है, जयपुर शैली पर सर्वाधिक प्रभाव किस शैली का है। सबसे अधिक प्रभाव किस शैली का है जयपुर शैली पर। ठीक है, कंपनी शैली का है, बंगाल शैली का है, मुगल शैली का है या पहाड़ी शैली का है। ठीक है, तो चलिए उम्मीद करता हूँ कि आपके कमेंट्स शुरू हो गए होंगे और अच्छे उत्तरों के साथ शुरुआत हो गई होगी आपकी। दूसरे प्रश्न का सही जवाब जो है वो हो जाएगा आपका सी, मुगल। जयपुर शैली का सर्वाधिक प्रभाव किस शैली का है, मुगल शैली। ठीक है, आइए अब बढ़िया तीसरे और चौथे प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि प्राग ऐतिहासिक चित्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है। ध्यान दीजिएगा, सत्य नहीं है, असत्य है। पहला कह रहा है कि प्राग ऐतिहासिक चित्रों का मुख्य विषय शिकार रहा। दूसरा कह रहा है कि प्राग ऐतिहासिक चित्र गुफावासियों द्वारा बिना किसी कला दक्षता के बनाए गए। तीसरा कह रहा है कि प्राग ऐतिहासिक चित्रों में दमकता लाल, चमकीला नीला एवं प्रफुल्ल हरा रंग भरा गया। और चौथा कह रहा है कि मानव और पशु आकृतियों को बनाने से पहले गुफा के भित्ति चित्रों पर पृष्ठभूमि में कहीं कोई रंग की सतह नहीं लगाई गई। तो प्राग ऐतिहासिक चित्रों के बारे में आप सभी ने काफ़ी अच्छे खासों से गहन अध्ययन किया है, तो उनके कथनों को देखते हुए इसमें से कौन सा कथन आपका गलत कह रहा है। तो उम्मीद करता हूँ कि गेस आपका बहुत अच्छा गया होगा और उत्तर भी उतना ही अच्छा होगा। तो इसका सही उत्तर होगा सी, क्योंकि प्राग ऐतिहासिक चित्रों में ना ही चमकदार, चमकीला, प्रफुल्ल ये सब रंग भरे ही नहीं गए हैं। प्राग ऐतिहासिक चित्र भित्ति चित्र थे और इस तरह का रंग उसमें अवेलेबल नहीं है, इसलिए यही असत्य कथन है। अगला प्रश्न है, मनुष्य निर्मित सर्वाधिक प्राचीन स्थल कौन है। इसमें से सर्वाधिक प्राचीन स्थल है और बनाया गया है मनुष्यों के द्वारा। ठीक है, निर्मित किया गया है मनुष्य के द्वारा। द रेंडियर, द वीनस ऑफ बिलेंडार्फ, द हेड ऑफ वार्का या द डांसिंग गर्ल। तो चलिए फटाफट कमेंट्स कर दीजिए साथियों हमारे आज के प्रश्नों का, और बताइए कि क्या है आज के प्रश्नों की परफॉर्मेंस और कैसा है आज का आपका वीडियो। तो चौथे प्रश्न का कहना है कि मनुष्य द्वारा निर्मित सर्वाधिक प्राचीन स्थापत्य कौन सी है इसमें से। तो चौथे प्रश्न का सही जवाब जो हमारा होगा वो हो जाएगा मित्रों बी, द वीनस ऑफ विलेंडार्फ। द वीनस ऑफ विलेंडार्फ यह है मनुष्य द्वारा सबसे प्राचीन बनाई गई स्थापत्य। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, प्रश्न संख्या 5 पहले देख लीजिए फिर नीचे चलते हैं।
पांचवा प्रश्न कह रहा है, स्टैंड ग्लास विधा किस युग में विकसित हुई? स्टैंड ग्लास विद्या यानी कला की स्टैंड ग्लास विद्या जो है वो कौन से युग में विकसित हुई? ठीक है, तो मित्रों ऑप्शन इस प्रकार है, रोमनस्क युग, वाइजेंटाइन युग, गोथिक युग या आधुनिक युग, इसमें से कौन सा सही है कमेंट्स करिए। और आपको पता ही है कि फटाफट तैयार हो जाइए, लग जाइए अच्छे से, क्योंकि TGT और PGT दोनों राजस्थान में मौजूद है इस समय। ये तो RPSC के नाम से ये भी है, ये भी है, ठीक है। और इसमें कला की भर्तियां 70 सीट के साथ हैं PGT में। इस TGT में जो है BEd मांगता है और BEd के साथ जो विषय मांगेगा उसमें आप शामिल हो जाएंगे, लेकिन इसमें इत्तेफाक कला नहीं है TGT में, फिर आगे ज़रूर आएगा लेकिन PGT में है। इसके अलावा बाकी कभी राज्यों में भी भर्तियां निकलेंगी और उसमें अपना UP भी होगा, तो आपको ढीले नहीं पड़ना है, कंटिन्यू लगे रहना है ताकि आपको उसका लाभ मिल सके और एक टीचर के रूप में आप अपने आप को स्थापित कर सकें। तो पांचवें प्रश्न का सही जवाब जो होगा वो जगह सी, गोथिक युग जो है स्टैंड ग्लास विधा कला के युग में विकसित हुई वो थी गोथिक युग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या अब हम जिक्र करने वाले हैं जो वो है आपका 6 और 7। 6 नंबर प्रश्न कह रहा है, आप किन दो रंगों को मिलाकर लगभग काला रंग बनाएंगे? देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर प्रश्न में थोड़ा सा फर्क है, लगभग दो रंगों को मिलाएंगे तो लगभग बनेगा, लगभग मतलब कि कन्फर्म नहीं कहा जा रहा है, लगभग जरूरत भर की अपनी काम चल जाए वो रंग काला तैयार हो जाएगा, कन्फर्म काला तैयार नहीं होगा। तो लाल और नीला मिलाएंगे तो लगभग काला बनेगा, हरा और लाल बनाएंगे मिलाएंगे तब लगभग काला बनेगा, भूरा और नीला बनाएंगे तब, या फिर भूरा प्लस हरा बनाएंगे तब। तो ये 6 नंबर प्रश्न कह रहा है कि कौन से दो रंगों के मिलाप से लगभग काला बनेगा, ना कि कन्फर्म काला ही बनेगा, लगभग बनेगा। ठीक है, समझ में आ गया बात? तो चलिए, समझ में आ गया होगा तो ड्रॉप करते जाइए प्रश्नों के उत्तरों को। तो इस प्रश्न का सही जवाब जो होगा वो हो जाएगा बी, हरा और लाल ये दोनों जब मिलाएंगे तो लगभग काला रंग बनेगा। और आप कमेंट्स के द्वारा हमें ये बताइएगा कि लगभग नहीं एकदम कन्फर्म काला रंग किन दो रंगों को मिलाकर बन जाएगा। ठीक है, पूरे कन्फर्म काला रंग ही वो तैयार होगा, लगभग नहीं होगा, वो किन दो रंगों को मिलाकर बनेगा ये आप बताइएगा। और अगला प्रश्न 7वां है, कोलाज क्या है? कागज के साथ पोस्टर है, अखबार का संयोजन है, टुकड़ों का संयोजन है या अभिलेख संयोजन है? तो कोलाज किसे कहते हैं, सिंपल भाषा में समझ लीजिए, कोलाज क्या है या कोलाज किसे कहते हैं, ये प्रश्न हमारा है। ठीक है, तो मित्रों तो कोलाज हमारा क्या है साथियों, इसका तो राइट आंसर था बी आपका, ये वाला इसका राइट आंसर था आपका बी। ठीक है, और कोलाज क्या है, तो कोलाज आपका 7वां प्रश्न है और इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, टुकड़ों का संयोजन। क्या है कोलाज? टुकड़ों का संयोजन। देखिए छोटे छोटे टुकड़ों को, कतरनों को, कागज के टुकड़ों को या कतरनों को टुकड़ों में काट कर और उससे जो कलाकारी की जाती है उसको हम कोलाज कहते हैं। ठीक है, तो 6 और 7 नंबर का हो गया आपका, अब 8वें और 9 नंबर पर चलेंगे। तो प्रश्न संख्या 8 और 9 आपके सामने है। 8वां कह रहा है कि मुगल शैली में रंग किससे बनाए जाते थे? जो मुगल शैली चल रही थी हमारी, तो मुगल शैली में जो रंग थे वो किससे बनाए जाते थे? फूलों से, देखिएगा दो बार फूल हो गया है, एक ऑप्शन जो है दूसरा होना चाहिए था, पत्तियों से या इनमें से कोई नहीं। तो एक यहाँ थोड़ा मिस्टेक है, यहाँ पे एक ऑप्शन होना चाहिए था आपका दूसरा, कि एक फूलों से होगा तो दूसरा जो है फलों से, एक ऑप्शन होना चाहिए था फूलों से या फलों से या पत्तियों से। ठीक है, तो इसको सुधार लीजिएगा जब भी, बस आपको याद रखना है कि इसका आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर होगा फूलों से, और एक ही आप काट दीजिए, इसको किसी और ऑप्शन पर रख लेते हैं, तो फूलों से होगा। ठीक है, मुगल शैली में रंग किससे बनाए जाते थे? फूलों से बनाए जाते थे। 9 नंबर प्रश्न कह रहा है
कि बौद्ध धर्म का मुख्य बुद्ध मंदिर प्राप्त हुआ है। मुख्य बुद्ध मंदिर ये जो प्राप्त हुआ है बौद्ध धर्म का, कहाँ प्राप्त हुआ है? उत्तर प्रदेश में, बिहार में, पंजाब में या मध्य प्रदेश में? ठीक है, तो चलिए फटाफट ड्रॉप करिए और कला संबंधित प्रश्न जो आपके हैं, खासकर जो न्यू स्टूडेंट हमारे जुड़ते हैं, हमारे साथी जुड़ते हैं, जो कि टीजीटी पीजीटी के लिए पहली बार एंट्री करेंगे, अगर उनका कोई सवाल कोई डाउट हो तो ज़रूर वो पूछ सकते हैं। ठीक है, और ये प्रश्न जो 9 नंबर है वो कह रहा है कि बौद्ध धर्म का मुख्य बुद्ध मंदिर प्राप्त है, तो मित्रों वो प्राप्त है हमें बिहार में। कहाँ प्राप्त है? बिहार में। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। 10 नंबर प्रश्न देख लीजिए, पहले अपना क्या कह रहा है 10 नंबर प्रश्न। प्रश्न संख्या 10 का कहना है, इनमें से चित्रामिक कला कौन सी है? चित्रामिक कला किस कला को कहते हैं? चित्रकला को कहते हैं, नृत्य को कहते हैं, मूर्ति कला को कहते हैं या संगीत कला को कहते हैं? भाई किस कला को चित्रामिक कला के नाम से जानते हैं? यह है हमारा प्रश्न संख्या 10। तो यह है हमारा नंबर व्हाट्सएप का, और इस पे आप कोई भी, अगर आपको कोई सवाल हो, आपको जो नए बच्चे हैं उनको कोई डाउट हो, न्यू स्टूडेंट, तो वो हमसे यहाँ पे व्हाट्सएप द्वारा कुछ पूछ सकते हैं। ठीक है, जिनको डाउट हो या कोई आपके पास और अच्छी चीज़ें हैं जो कि लगता है कि इस पूरे ग्रुप में सर के साथ जो है, क्योंकि क्लासें हमेशा फ्री होती हैं, कोई पैड बैच वगैरह होता नहीं हमारा, तो अगर आपके पास कोई अच्छे प्रश्न है तो आप पुटअप कर सकते हैं, ताकि वो भी जो है मेंशन करके बाकी लोगों के बीच में दे दिया जाए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप जो है इस तरह के हेल्प करने वाले स्टूडेंट होंगे। तो 10 नंबर प्रश्न का सही जवाब जो होगा वो हो जाएगा ए, चित्रकला। चित्रामिक कला को कौन सी कला कहते हैं? चित्रकला को कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आपका देखिएगा 11 और 12। 11 कह रहा है, कौन दो कलाकारों ने ज्यामिति चलन, चमकदार रंगों और तकनीक का समावेश अपने चित्रों में किया था? यानी इनमें से कौन से दो कलाकार थे जिन्होंने अपनी कला में ज्यामिति चलन, चमकदार रंग और तकनीक का समावेश किया था अपने चित्रों में? पाल सेजा एवं विसेंट वान गॉग, पिकासो और बराक, माने एवं एडगर डिगास या वान आइक बंधु? ठीक है, प्रश्न समझ गए आप? यानी दो ऐसे पाश्चात्य कलाकार जिन्होंने अपने चित्रों में तकनीकी समावेश, चमकदार रंग और ज्यामितीय चलन का यूज़ किया था। यह है हमारा 11 नंबर प्रश्न का पूछना। ठीक है, तो 11वें प्रश्न का सही जवाब क्या होगा साथियों? तो उसका सही जवाब होगा बी, पिकासो और बराक ने। अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न संख्या है 12, और प्रश्न का कहना है कि एडवर्ड माने द्वारा शुरू की गई शैली, यानी एडवर्ड माने द्वारा शुरू की गई जो शैली थी, जिसमें छाया प्रकाश के साथ साथ रंगों का प्रयोग करके गोलाई एवं स्थूलत्व का एहसास कराया गया। ठीक है, समझ गए, स्थूलत्व का एहसास कराया गया, उसे परंपरावादी समीक्षकों ने कहा। समझ में आए कोस्ट? एक बार और प्रश्न ध्यान से समझ लीजिए। एडवर्ड माने ने एक शैली शुरू की, ठीक है, जैसे कि नीचे दिया हुआ ऑप्शन में, घनवाद, प्रभाववाद, अली यथार्थ, अति यथार्थवाद और भाववाद, तो इसमें से ही एक शैली एडवर्ड माने द्वारा शुरू की गई, और माने ने उस शैली में छाया प्रकाश के स्थान पे रंगों का प्रयोग करके, यानी छाया प्रकाश की जगह पर उन्होंने क्या प्रयोग किया? रंगों का प्रयोग किया और गोलाई एवं स्थूलत्व का एहसास कराया अपने उस कला में, तो उसे परंपरावादी शिक्षकों ने एक नाम दे दिया उस शैली को, तो वो नाम कौन सा है?
तो उम्मीद है कि आप मेरी बात अब पूरी समझ गए होंगे जो मैं आपसे कहने वाला था। ठीक है, तो साथियों अगर बात समझ में आ गई होगी तो उत्तर भी बहुत बेस्ट आपका होगा। तो हमारा 12 नंबर प्रश्न का उत्तर जो होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका बी प्रभाववाद। ठीक है, क्या नाम रह गया उसको, प्रभाववाद नाम दिया गया परम्परादी समीक्षकों के द्वारा। 13 नंबर पर चलिए, 13 और 14 कह रहा है 13 नंबर, कैलाश मंदिर के मध्य स्थापित है, यानी कैलाश मंदिर के जो बीच में स्थापित है वो क्या है, मध्य मीन्स बीच में, ठीक है, यानी बीच में उसके क्या स्थापित है कैलाश मंदिर के बीच में, गणेश की मूर्ति, शिव पार्वती, शिवलिंग या पार्वती। ठीक है, तो साथियों ये था 13 नंबर प्रश्न जो आपसे पूछा जा रहा है कि कैलाश मंदिर के मध्य में क्या स्थापित किया गया है। तो प्रश्न संख्या 13 और 14 आपके सामने है। तो 13 नंबर प्रश्न का सही जवाब जो होगा वो हो जाएगा सी शिवलिंग। ठीक है, अगला प्रश्न है, कला में मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति करता है, यह विचार किसका है, यानी ये कोटेशन है, ये विचार मीन्स कह दीजिए कोटेशन, और कोटेशन का नाम है कि कला में मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति की अपनी अभिव्यक्ति खुद करता है, तो वो क्या जयशंकर प्रसाद ने कहा था, फ्रायड ने कहा था, ठीक है, या आगे रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था या क्रोचे ने कहा था, किसने इस चारों ऑप्शनों में से अपने विचार में अपने कोटेशन में कहा था कि जो कला है वो मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति करता है, कला में खुद मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति करता है। ठीक है, तो साथियों वो कहा था आपके रविन्द्रनाथ टैगोर साहब ने, जो एक कवि थे और कवि के साथ साथ आखिरी उम्र में कलाकार भी। और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न देख लीजिए, नीचे 15 नंबर प्रश्न कह रहा है, फड़ संबंधित है किस कला से, राजस्थानी लोक कला से, आलेखन से, मुगल कला से या लघु चित्र से, तो किस कला से जो है आपका फड़ संबंधित है। ठीक है, इसको भी टिक लगा देते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर था ये, आपको बताई है अभी बताया है मैंने। और ये आखिरी प्रश्न जो हमारा है इस वीडियो का, वो कह रहा है कि फड़ संबंधित किससे है, तो फटाफट कमेंट्स करिए और वीडियो को पूरा देखा करिए मित्रों, और अगर कोई भी कला से संबंधित कोई भी डाउट हो तो हमसे पूछिए, हम आपको उसका उत्तर देंगे, लेकिन लगे रहिए तभी जाके आप कामयाबी हासिल करेंगे। और हमारे इस आखिरी प्रश्न का उत्तर जो होगा वो हो जाएगा ए राजस्थान लोक कला से, राजस्थानी लोक कला जो है फड़ संबंधित जो है राजस्थानी लोक कला से है। तो साथियों कैसे लगी आज की हमारी वीडियो और कैसा लगा आज का हमारा बताया गया ये 15 प्रश्न कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और देखिएगा कि कितना है आपका सही। और ऐसे ही डेली अपडेट होते रहेंगे बेहतरीन प्रश्नों के साथ, कुछ ज़्यादा कुछ अच्छा और भी। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार, गुड नाइट।